रोहिल में आए हैं तो शुरू किए, तो शुरू किए भाई। असल में अख्तरी बेगम और रात का ये पहर बंदा गाफिल हो जाता है। काश आप लोगों जैसा शौक हमारा भी होता। हमारी जनरेशन तो बस टिकटॉक और मीम्स को ही आर्ट कहती है। भाई हर जमाने का अपना एक आर्ट होता है। कहिए आप सुनाइए, आपका कारोबार जिंदगी कैसा गुजर रहा है? सही चल रहा है चाचान। मैंने सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठूं, कोई बात करूं। एक्चुअली एक गुत्थी है जो नहीं सुलझ रही। कहिए कहिए, शायद मैं कोई आपकी मदद कर सकूं। आपको पता है जो बात मैं आपसे कर सकता हूँ वो अम्मी जान और अब्बा जान से नहीं कर सकता। जी जानता हूँ मैं ये बात। उस उतार चढ़ाव में रूही के आने के बाद बहुत तेजी आ गई है चाचा। और मेरे लिए ये बात बहुत सरप्राइजिंग थी कि रमशा जैसी पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल लड़की रूही से इनसिक्योर हो जाएगी। अच्छा चाचा, सिंस मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं हूँ तो इस सारी चीज में समरीन का भी बहुत हाथ है। मैं सुन रहा हूँ, आगे बढ़िए। मेरा मतलब है इस बात में कि मेरे और रूही के दरमियान कुछ है। अब इतने तसलसल से ये बात की गई कि मुझे भी एक पॉइंट पे लगा कि शायद ऐसा कुछ हो जो मुझे ना बताओ। बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी चचान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन इट। बल्कि चचान एक पॉइंट पे तो मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद मैं बदल गया हूँ, मेरी फीलिंग्स बदल गई हूँ, लेकिन के बाद वफा जफा फितरत और नियत तक पहुंच गई है। तुम्हारा कहीं झुकाव है, ये तो फितरी अमल है ना। और ये तुम्हारा जुर्म है या गलती है इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तुम्हारा शऊरी अमल है नहीं, ये बात नहीं हो सकती। यानी कि तुमने ये बात जानबूझ के नहीं की है। कितना तो मैं जानता हूं तुम्हारी फितरत में ये नहीं है, तो लिहाजा तुम अपने आप को मुजरिम ठहराना छोड़ दो। हाँ, ये किसी अमल का रद्द अमल हो सकता है, हो सकता है। एक बात कहूं, अपने जिंदा जमीर की कदर करो। इस उम्र में ना जमीर उमूमन नींद फरमाना पसंद करते हैं। हालात के बहाव में बहने दो भाई, वक्त फैसला करेगा ना। वक्त है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। और हमें अपने खानदानी ज़र्फ पे नाज है क्योंकि तुमने हमेशा सुरखुरू किया है। Didn't I come to the right place? Yes, you did. Aap maro si. Yeah. Chalo. Yeah. Steady on.